मैं आपके सामने हूँ। तो नाज़रीन, आपको जैसे पता है कि पिछली वीडियो में हम अपने मेहमानों का तारुफ मुकम्मल करवा चुके हैं। हाँ, मगर क्या करें, मुझे तारुफ तो उनको नहीं करवाना चाहिए था। ये दोनों इस काबिल नहीं है। अरे रे भाई, जो भी है, मेहमान मेहमान होता है, अच्छा हो या बुरा हो। अरे तुम तो अपना मुंह बंद रखो। हाँ तो जी, देखें, बात ये है कि अभी चंद मिनटों में एक खबर का ये जो भी मसला होगा ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये इनके हम आपको शक्लें नहीं दिखाएंगे, वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि क्यों नहीं दिखाएंगे। तो अब ये है कि आप इनकी सिर्फ आवाज़ें सुनेंगे। भाई मैं मुकद्दर हूँ एंकर साहिबा, तो आप हमारी तारीफ़ और तौसीफ़ पर पर्दा डालिए और हमें कोई मसालेदार खबर सुनाइए। अरे भाई मैं लाचार हूँ, इनका मतलब है कि कोई न्यूज़ सुनाइए तो हम इसका फ्यूज़ उड़ा सके। अरे भाई कोई ख़बर सुनाओ। हाँ जी, तो जनाब ये आप एक ख़बर सुने, हमारे आज के प्रोग्राम न्यूज़ फ्यूज़ की ये पहली खबर है। खबर ये है कि वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब मीडिया टॉक में ये बता रहे हैं कि हमारी मईशत यानी हमारे मुल्क के हमारे माशी हालात बेहतर हो गए हैं, हम माशी बहरान से बाहर निकल आ गए हैं और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। अरे ये क्या नाज़रीन, एक दूसरी खबर, ये जो माहिर माशियात हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वो सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं, हमारे मुल्क के कोई हालत इतने अच्छे नहीं हुए, हम अभी भी माशी बदहाली का शिकार हैं। हैं, ये दो अलग अलग खबरें, ये कह रहे हैं कि माशी हालत हमारे ठीक है हो गए हैं, हम खुशहाल हो गए हैं, और ये माहिर माशियात कह रहे हैं कि हमारे हालात बुरे हैं। अरे भाई इसके लिए हम इन अपने तजियाकारों से बात करते हैं। तो नाज़रीन हम तजियाकारों से बात करते हैं, तो भाई आप इसके बारे में तजिया क्या करेंगे? अरे देखें भाई, ये जो तजिया हम अगली वीडियो में करेंगे। हाँ तो नाज़रीन हमारी वीडियो का